முடிட்டு போறோம் உருக்கு அவனும் வந்துடக்கூடாது। तो देखो यार कल ही ना प्राइम वीडियो के ऊपर एक नई इंडियन सीरीज को रिलीज किया गया है जिसका नाम है स्नेक एंड लैडर, जो कि आपके सामने जो है एक तरीके से मिस्ट्री सस्पेंस क्राइम टाइप की स्टोरी रखती है, जिसको मैंने कम्प्लीटली वॉच कर लिया है। अब ये शो किस तरीके से बन के निकला है, मेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा हालाई 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं कि इस शो की स्टोरी फॉलो करती है कुछ ऐसे बच्चों को जो कि एक शहर कह सकते हो या आप उसको गांव कह सकते हो, एक ऐसे इलाके में रहते हैं जिनमें से एक दोस्त के घर जो है दो लोग रात को चोरी करने आते, जिनमें से गलती से एक का जो है वो मर्डर हो जाता है। किस तरीके सारे दोस्त मिलके जो है उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं और जो चोर उस रात को चोरी करने आया था किस तरीके से उसके पूरी की पूरी पीछे की मिस्ट्री है कि बंदा कौन है, पीछे की गैंग कौन सी है, क्या पूरी की पूरी मिस्ट्री है, किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया। मतलब अगर आप लोगों को कमाल की पेस के साथ जो है क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा आई वुड से तीन टाइप का शो देखना है तो डेफिनेटली आप जाके इसको चेक कर सकती हो, जिसमें आपको टोटल 2 एपिसोड्स देखने को मिल जाते हैं जिनका रन टाइम जो है वो 25 मिनट से लेके जो है वो 35-40 मिनट तक रखा गया। और ये शो जो है वो आपको प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम और बंगाली में देखने को मिल जाएगा। तो अब देखो बात करते हैं इसके पॉजिटिव पार्ट के बारे में। तो इसका जो पहला पॉजिटिव पार्ट मुझे लगा वो होने वाली है इसकी पेस, मतलब जिस तरीके से एक के बाद एक इवेंट्स होते जा रहे हैं और जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट इसकी स्टोरी की तरफ बना हुआ है, डेफिनेटली इतना तो ये एंगेजमेंट अपनी तरफ रखता है कि आप इसको देखते में बोर नहीं होते हो और एक के बाद एक जो एपिसोड्स है वो फटाफट खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो मेरे को इसका अगला पॉजिटिव पार्ट लगा देखो वो होने वाला है जिस तरीके से आपको वहाँ का एनवायरमेंट दिखाया गया है, जिस तरीके से वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है, मतलब इसके वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर इतना इंटरेस्ट तो आपका डेवलप हो जाता है कि आप उनके कैरेक्टर्स को लेके जो बच्चे हैं जिस तरीके से और भी आपको अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं वो इतने इंटरेस्टिंग है कि आप उसको देखते हुए वहां पे इमोशंस फील कर पाते हो। और देखो जहां तक बात रही इस शो के प्रोडक्शन के बारे में, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, जिस तरीके से इसको शूट किया गया है, जिस तरीके से सामने स्क्रीन के ऊपर निकल के वो आया है, वो डेफिनेटली जबरदस्त मुझे पर्सनली फील हुआ। तो अब देखो अगर बात करते हैं इसके नेगेटिव पार्ट के बारे में, जिसका पहला नेगेटिव पार्ट होने वाला है वो होगा इसके अंदर आप लॉजिक मत लगाओ। मतलब अगर आपको टाइम पास करने के लिए वन टाइम वॉच टाइप का कुछ देखना है तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा देखो मेरे को जो इसके अंदर एक और बहुत बड़ी कमी लगी वो होने वाली है इसकी डबिंग। ये एक्चुअली में हिंदी शो नहीं है तो जो इसकी हिंदी डबिंग है वो काफी एवरेज क्वालिटी की है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं चला सकते, लेकिन जिस तरीके की मार्केट में डबिंग होती है कुछ उससे थोड़ा लो लेवल आपको पर्सनली फील होने वाला है। तो इन द एंड देखो आप लोगों से इतना बोलो कि अगर आप लोगों को एक टीन ड्रामा टाइप का कुछ देखना है, मिस्टीरियस हो, सस्पेंस हो, एक थ्रिलर हो, थोड़ा सा क्राइम ड्रामा हो, तो डेफिनेटली आप जाके इसको वॉच कर सकते हो। और हाँ, एक बात की इससे ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, टाइम पास के लिए अगर देखना है तो डेफिनेटली जाके इसको वॉच करो, आपको मजा आएगा। तो मैं पर्सनली इस शो को रेट करूंगा 3/5 स्टार। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द शो स्नेक एंड लैडर्स। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया, आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियंस है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो तक देखा है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक करो और ऐसे कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा हालाई 33।